नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आज एक और नई जानकारी लेकर के। जी हाँ, आजकल मैक्सिमम लोग इंडिया में या कहीं भी बाहर भी चले जाएं, लेकिन हम अपने देश की बात करेंगे खास करके, क्योंकि प्रॉब्लम हमें है तो हमें ही जानना होगा। हमारी सुबह की शुरुआत होती है मैक्सिमम लोगों की चाय से। जी हाँ, और बहुत सारे लोगों को तो ऐसी आदत लग चुकी है कि उनको बेड टी चाहिए। जब तक वो बेड पे लेटे हुए हैं, जगेंगे तो चाय के साथ ही जगेंगे, वरना उनके सर में दर्द होने लगता है या फिर उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है, वो उनकी नींद नहीं खुल पाती है। ऐसे एक्सक्यूजेज होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक्सक्यूज़ नहीं होता है। जब आप चाय पीते हैं तो उसमें कुछ एक ऐसे पदार्थ होते ही हैं जो आपको एडिक्टेड कर देते हैं, यानी कि आपको लत लग जाती है चाय पीने की, क्योंकि उसमें कैफीन, निकोटीन, टैनिन ऐसे कई रासायनिक तत्व मौजूद हैं जो कि आपको एक नशे की तरह यानी कि लत की तरह इसको पीने के आदि बना देते हैं। कहेंगे आपकी तो चाय पीते ही हैं तो इसमें बुराई क्या है, चाय पीना चाहिए। लेकिन नहीं, चाय आपके शरीर को फायदे की जगह नुकसान ही पहुंचाता है, क्योंकि वैसे ही मानव बॉडी में खास करके पेट में गैस बनता रहता है, एसिडिटी बनती रहती है। ये एसिडिटी जब ब्लड में पहुंच जाती है ज़्यादा बन करके, फिर आपको 80 तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, अनेकानेक बीमारियां होती हैं, जैसे कि ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक का आना, हार्ट का सही काम न करना, ब्लड से रिलेटेड बीमारियां होना, अनेक बीमारियां, ऐसी ही बीमारियां होती हैं जिनका कि इलाज भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्यों पीना चाहे, अगर इतनी बीमारियों का जड़ है तो क्यों पीना है इसे, क्योंकि ये वास्तव में पेट में गैस बनाता है। जब हम ऐसे ही रहते हैं तो पेट में गैस बनता रहता है, चाय पीते हैं तो और ज़्यादा गैस बनता है पेट में। पीने की लत इसलिए लोगों को लग जाती है क्योंकि चलो जिस टाइम आप पीते हैं उस टाइम थोड़ा सा आपको लगता है कि हमें ताजगी आ गई, फ्रेशनेस आ गई, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। कभी रात में अकस्मात 6 महीने साल में जगना पड़ गया, बात अलग होती है कि आपने पी दिया, लेकिन हम तो आदि हो चुके हैं, सुबह की शुरुआत होगी तो सबसे बुरी चीज़ चाय से। अब अगर व्यवहारिक रूप में हम लें तो भी ये नुकसानदेह है। सबसे पहले तो हमने स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग बताया कि आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। जी हाँ, इसकी वजह से आपको 80 तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। अब सामाजिक रूप से देखते हैं कि हमें कैसे खोखला करता है चाय। चाय जितनी भी चाय की आप टॉप लेवल की कंपनीज देखेंगे इंडिया में जो ब्रांड बिक रहे हैं, वो मैक्सिमम विदेशी कंपनियों के हैं, और लगभग हर घर में आपको चाय मिल जाएगी। हम खुद तो पीते ही हैं, हमारे घर कोई आता भी है, मेहमान आता है, तो हम लोग अक्सर उन्हें चाय ही ऑफर करते हैं, आए हैं चाय पिलाइए। यानी कि खुद तो बीमार हो ही रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को भी हम बीमार कर रहे हैं चाय की सहायता से। इसके अलावा जब आप चाय को खरीदते हैं तो वो पैसा किसको जाता है, विदेशी कंपनियों को। उसका फ़ायदा किसको होता है, विदेशी कंपनियों को। विकास किस राष्ट्र का होगा, जहां वो पैसा जाएगा, क्योंकि टैक्स वहां वो पे करेगा। तो आपके देश से पैसे बाहर जा रहे हैं, क्यों ना हम अपने यहाँ की चीज़ों को अपनाएं। हाँ चलो, बहुत अच्छी चीज़ होती तब तो चलो पैसा देके भी लेना सही है, लेकिन बीमारी को पैसा दे करके खरीदना ये कहाँ तक उचित है। तो ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करें। कहेंगे जी हमें चाय पीने की तो आदत लग गई है, लत हो गई है, जैसा कि हमने बताया कि हाँ इसमें होते हैं ऐसे तत्व जो आपको एडिक्टेड कर देंगे, आपको नशे की तरह इसकी लत लग जाएगी चाय पीने की। तो क्या पिएं उसकी जगह, कैसे छोड़ें इस आदत को। उसकी जगह आप केवल दूध पी लीजिए, दूध से चाय बनाते हैं आप, दूध को उबालिए, दूध पीजिए। इससे कहेंगे फ़ायदा क्या होगा मुझे, आप दूध पियेंगे तो आपके शरीर के लिए पौष्टिकता से भरा हुआ होता है दूध। दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार होता है, केवल दूध पीते हैं, इसके साथ कुछ भी नहीं खाते हैं
तो भी आप जिंदा रह सकते हैं। तो दूध पीजिए, चाय की क्या जरूरत है, कहेंगे वो स्वाद नहीं आता है। तो दूध में इलायची डाल दीजिए, सुपाच्य हो जाएगा, गंध भी अच्छी हो जाएगी। या फिर दालचीनी डाल दीजिए या तुलसी की पत्तियां डाल दीजिए, आपके लिए भी फायदा हो गया। दूध कहाँ मिलेगा, आपके राष्ट्र का होगा। इससे फायदा होगा कि हम जीव जंतुओं को भी पालेंगे, किसान, हमारे किसानों को भी कुछ फायदा होगा, हमारे राष्ट्र के लोगों को फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा, हम कई बीमारियों से बच जाएंगे, शरीर भी हमारा स्वस्थ रहेगा। तो सामाजिक रूप से भी ये अच्छा हुआ हमारे लिए, यानी कि हमारे पर्सनल स्वास्थ्य के लिए अच्छा, हमारे समाज के लिए अच्छा। तो क्यों फिर हम पिए चाय। चाय और भी हम आपको बताते हैं, मैक्सिमम घरों में पिया जाता है तो लगभग आप देखेंगे तो हमारे राष्ट्र से 100 करोड़ रुपया हर साल केवल चाय पे जाता है, खर्च होता है। ये अगर हमारे राष्ट्र में रहे तो हमारे राष्ट्र के लोगों का विकास होगा। चलो, आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे चाय की जगह चाय जैसा ही कुछ पीना है, चाय ही पीना है, तो आप गुड़, पानी को बहुत ज़्यादा बॉयल कर लीजिए, उबाल लीजिए, उसमें गुड़ डाल लीजिए, उसमें तुलसी की पत्ती डाल दीजिए, आपको थोड़ा और चाहिए स्वाद, इलायची डाल दीजिए, उसमें आप दालचीनी पाउडर डाल सकते हैं, यानी कि काढ़ा बना के पीजिए। आपके शरीर के लिए फायदेमंद भी होगा और आपको ताजगी भी आ जाएगी। उससे कम भी करना चाहते हैं तो चलो पानी गर्म करके पी लीजिए, केवल नहीं कर पाते हैं, हो सकता है कि इतना कौन तामझाम करेगा, तो पानी गर्म करके पी लीजिए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि आपके बॉडी से जब आप गर्म पानी पीते हैं तो जितनी भी गंदगी या एसिडिटी है, इन चीज़ों को शरीर से मूत्र के मार्ग से बाहर निकाल देता है, शरीर के गंदगी को। गर्म पानी पीने के बाद आपको पसीने भी आएंगे तो उस ढंग से भी आपके शरीर से गंदगी बाहर निकल जाती है, फिर आप स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए चाय का सेवन ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसका उदाहरण भी आप देखते होंगे कि हम मनुष्य ही सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं क्योंकि हम चाय पीते हैं। केवल चाय नहीं वजह है, लेकिन चाय भी एक वजह है। आप देख लीजिए, हमसे कम बीमार पड़ते हैं जीव जंतु, चिड़िया, पंछी, ये सारे कम बीमार पड़ते हैं, और ये सभी में से कोई भी चाय नहीं पीते हैं। आपको नहीं यकीन हो तो आप उनको पिलाने की कोशिश करके देख लीजिए, आपके पेट्स जो भी होंगे, आपने मान लीजिए डॉगी पाल रखा होगा, कोशिश कीजिए कि चाय पी ले, वो नहीं पिएगा, दूध पिलाइए पी लेगा, क्योंकि फायदा होता है उससे। और उनकी जानते हैं आपकी सूंघने की और भांपने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब भी देखेंगे तूफान वगैरह आना हो, ये कुछ भी, जब भी कहा जाता था पहले ज़माने में कि बुरे संकेत जब भी आते हैं तो वहाँ से पंछियाँ पहले ही उड़ने लग जाती हैं, क्योंकि उनको आभास हो जाता है। इसीलिए आप चाय का सेवन ना करें तो ही बेहतर होगा। आप अगर अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रखना चाहते हैं तो चाय की जगह, जैसा कि हमने बताया, देसी काढ़े को पीना शुरू कर दीजिए या फिर गर्म पानी पी लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी इच्छा है, यही हम चाहते हैं। अपने चैनल के माध्यम से हमारा यही प्रयास होता है कि आप सभी को सही जानकारी मिल पाए और सही फायदे मिल पाएँ। इसीलिए हम बनाते हैं वीडियोज, शोध जो हैं अलग अलग लोगों के, पढ़ के, जान करके जो सही चीज़ें लगती हैं, कोशिश करते हैं हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की, ताकि आप भी उसका लाभ उठा सकें। ये आज का हमारा जो एपिसोड था, ये कुछ अलग ढंग का एपिसोड था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इससे फ़ायदा होगा अगर आप इसको अपनाते हैं तो। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात का ख्याल ऑलवेज रखना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य जो है वो सबसे बेशकीमती धन है हमारे लिए। अगर हम स्वस्थ हैं तो दुनिया के हर एक चीज़ हमारे लिए खूबसूरत है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी घर कर जाती है, आ जाती है, तो हमारे लिए दुनिया की सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। इसके लिए आप उचित मात्रा में
पानी का सेवन जरूर करें और इसके अलावा अपने डाइट को ऑलवेज बैलेंस्ड रखें। अगर आप अपने खान पान में नियमित रूप से बदलाव करके हर एक चीज़ को शामिल कर रहे हैं जो कि ज़रूरत होती है, जब शरीर में आपको पता चल रहा है कि मैंने लगातार बहुत दिनों से केवल मीठा मीठा खाना ही खाया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आपको चाहिए होगा, विटामिन सी चाहिए होगा, वो नींबू से मिलेगा। आप केवल मीठा खा रहे हैं कुछ एक दिनों से लगातार, तो उसकी कमी तो हो ही रही है शरीर में। इसीलिए अपनी डाइट को बैलेंस रखना ज़रूरी है। सुबह से शाम तक के खाने में ऐसा प्लान बनाएं या डाइट चार्ट बनाएं जिसमें कि हर एक चीज़ शामिल हो, जिससे आप स्वस्थ रह सकें या आपको स्वस्थ रहने में मदद मिल सके। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।